नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रताप टेक्निकल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि मैं बता दूं आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लैपटॉप के बारे में जो कि बजट फ्रेंडली भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई एंड वेरिएंट में नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। और नाम मैं बता देता हूँ आपको कौन से लैपटॉप के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एसर एस्पायर लाइट के बारे में, जो कि 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ आता है। ऐसा नहीं है कि इसमें 16 GB रैम ही मिलती है, ये 8 GB रैम में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको करेंटली भी चाहे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे 8 GB रैम वाला जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो अभी करेंटली 16 GB रैम और 512 GB SSD वाला ही प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है। अगर अवेलेबल हुआ तो आप जरूर परचेस कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तो वहां से जाकर के भी परचेस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात, आपको इसके अंदर विंडोज 11 होम देखने को मिलता है, और प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको i3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें इंटीग्रेटेड 12th जनरेशन का 1215U प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आपकी डेली डे टू डे लाइफ और हैंग वैंग का बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला, बहुत ही परफेक्ट i3 का प्रोसेसर है भाई, भरोसा तो होना ही चाहिए। तो i3 इज़ नॉट अ लो प्रोसेसर, इज़ अ गुड एंड इनफ प्रोसेसर। इस लैपटॉप में आपको सबसे अच्छी बात देखने को मैं बता दूँ, इसमें लगभग आपको सारे ही पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम पोर्ट्स की अगर बात करें तो मैं बता दूँ, इसके अंदर आपको 2 USB पोर्ट, एक हेडफोन जैक, एक ईथरनेट पोर्ट और एक VGA पोर्ट, मतलब VGA कन्वर्टर के लिए होता है ना, जो बड़ी स्क्रीन में चीज़ों को वायर के थ्रू अपन कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और एक DC चार्ज सॉकेट देखने को मिलता है, और टाइप सी का पोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो लगभग वो पोर्ट्स की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और बहुत ही लाइट और थिन लैपटॉप आपको ये देखने को मिलता है। इसकी जो वेट अगर मैं बात करूँ तो मतलब 1.5 किलो के लगभग है, यानी 1.59 kg के आसपास इसका वेट आपको देखने को मिलता है। और डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी अगर बात करें तो बहुत ही फेबुलर डिज़ाइन है, और अब डिज़ाइन आप देख सकते हैं, मतलब लगभग सारा ही है। और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो कीबोर्ड और टच पैड की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी स्टाइलिश देखने को मिलता है। लैपटॉप की जो प्राइस है वो है 31,990 rupees, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपको ये 32,000 के आसपास देखने को मिलता है। और अगर मंथली EMI की अगर आप बात करें तो मैं बता दूं आपको 3,000 के ऊपर, लगभग 3,000 या 3,400 के आसपास आपको EMI के थ्रू भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये थी इस चीज़ के बारे में, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।